इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्र वधु पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। ओम नमः सिद्धेश्वर नमः श्रीवर्धमानाय मृदोदकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद् विद्यादर्पणायते यद् विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज के परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के 3,09,00,000 मुनि राजाओं के जय। बोले मुनि रणत सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान। एक ऐसा कार्यकारी उपाय जो निश्चित ही हमारी आत्मा को परमात्मा बनाने की ओर ले जाने वाला है। सम्यक समाधान जो हमारे ही मन के उन अनेकानेक विकल्पों का सम्यक समाधान प्रदान करके और हमारे लिए एक लौकिकता में भी अनूठी सुख शांति प्रदान कराने वाला है। सिर्फ थोड़ा सा पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है और अपने विकल्प को समीचीनता प्रदान करने की जरूरत है। विकल्प यदि समीचीन है और उस समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान जब हमें किसी निर्ग्रंथ गुरु से प्राप्त हो जाता है तो निश्चित ही वह हमारे कल्याण का मार्ग खोल देता है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान जो कि हम सभी परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्रतिदिन प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान और आज के पहले विकल्प के लिए ललितपुर उत्तर प्रदेश से श्रीमती कल्पना जैन महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज श्री हम स्त्रियां भगवान को नहीं छू सकती, भगवान का अभिषेक नहीं कर सकते, लेकिन हम भावों से भगवान के चरण छुए और अभिषेक के भाव बना सकते हैं क्या। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। बोले मुनि सुप्रभ सागर जी महाराज की मुनि संघ की जय। श्रावक या श्राविका कोई भी क्यों ना हो, वह पूर्ण रूप से भगवान के पूजन अभिषेक आदि की भाव आदि का विचार अवश्य ही कर सकता है। ये हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता कि जो ये वर्तमान में व्यवस्थाएं बनाई जा रही है कि कब कहाँ कैसे कौन किस प्रकार से अभिषेक पूजन आदि करेगा, ये व्यवस्था भिन्न विषय हो सकता है, पर द्रव्य पूजा द्रव्य अभिषेक द्रव्य कार्यों के साथ साथ भाव पूजा भाव वंदना भाव अभिषेक आदि सामान्य रूप से हर कोई जीव कर सकता है, उसमें कोई भी दोष नहीं। मात्र अभिषेक ही नहीं अपितु दान आदि देने के भी निमित्त से आचार्यों ने स्पष्ट कहा है, मात्र स्त्री पुरुष आदि का ही भेद नहीं अपितु एक तिर्यंच भी भगवान के प्रतिमा को देखते हुए उनके चरण स्पर्श उनके अभिषेक मुनिराजों को आहार दान आदि की अनुमोदना वह अवश्य ही कर सकता है। अनुमोदना तभी होती है जब वास्तविकता में उसे कृतकारित करने की शक्ति नहीं होती, तभी वह अनुमोदना करने की शक्ति धारण करता है। जैसे तिर्यंच है कुछ ऐसे स्त्री पुरुष है श्रावक श्राविका है कुछ कुल के माध्यम से या कुछ ऐसी व्यवस्था के कारण से
साक्षात अभिषेक नहीं कर पा रहे हैं, दान आदि नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे समय पे वह अगर अनुमोदना करते हुए भावों से ये भावना भा रहे हैं कि हम भावों से ये सब कुछ कार्य कर रहे हैं जो अन्य पुरुष हो या अन्य कोई जीव कर रहा है, तो उसमें किसी भी प्रकार से कोई भी दोष हो ही नहीं सकता। इसलिए भले ही आप स्त्री पर्याय में हैं, पर भावों से श्री जी के चरण स्पर्श करना, उनके अभिषेक करें, या भविष्य में भी मैं कभी पुरुष बनकर साक्षात भगवान के चरण स्पर्श करूं, अभिषेक करूं, मैं साक्षात देव बनूं, आदि आदि भाव करने में, भावना बहाने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं है। हाँ, ये व्यवस्था तात्कालिक द्रव्य पर्याय आदि की प्रत्याशक्ति के निमित्त से अवश्य ही माना जा सकता है, पर वास्तविकता में ऐसा भाव पूजा, भाव वंदना, भाव अभिषेक, भाव दान या इन शुभ क्रियाओं की अनुमोदना रूप भाव करने में किसी भी प्रकार से कोई दोष नहीं हो सकता। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सौम्य जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, जब हम कोई पाठ पढ़ते हैं तो उस समय आधा पढ़ा हुआ पाठ छोड़कर उसके बाद में उसे पूर्ण करने में करते हैं तो उसमें क्या पाप लगता है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वास्तव में जो स्तोत्र मंत्र आदि जो भी आप पाठ कर रहे हैं, चाहे वह ग्रंथों का हो, स्तोत्र आदि का क्यों ना, वहाँ पर ये अवश्य समझे कि वह जब प्रारंभ किया है तो समय में वह पूर्ण भी करने की आवश्यकता है। मतलब जो कई सारे बार कई स्थानों में देखने में आता है, पाठ प्रारंभ किया, बीच में जैसे ही समय मिला अन्य कार्य किया, पुनः अन्य कार्यों से निवृत्त होते हुए पुनः पाठ पढ़ लिया, तो उससे वास्तव में पूर्ण फल उस पाठ का, स्तोत्र का, ग्रंथ आदि का बिल्कुल भी मिलने वाला नहीं। क्योंकि पाठ जब आपने प्रारंभ किया ही है तो उस पाठ को पूर्ण रूप से समाप्ति तक पूर्ण करने की आवश्यकता है। अन्यथा खंड खंड में यानी टुकड़ों टुकड़ों में किया हुआ वह पाठ, चाहे स्तोत्र का, ग्रंथ का या अन्य किसी का भी क्यों ना हो, वह पूर्ण रूप से फलदायी हो नहीं सकता। इसलिए प्रयास तो यही करना चाहिए कि जो पाठ, जैसे भक्तांबर का पाठ हो या अन्य कोई भी पाठ हो, वह प्रारंभ किया है तो उसे पूर्ण रूप से समाप्ति तक पढ़ने की आवश्यकता है, या समय पर उसे समाप्त भी करने की आवश्यकता है, पूर्ण करने की आवश्यकता। क्वचित कदाचित किन्हीं अपरिहार्य कारणों से पाठ पूर्ण नहीं हो रहा है तो उससे आप दोष से वंचित नहीं रहने वाले, दोष तो अवश्य लगेगा, पर अगर वास्तव में कोई अपरिहार्य कारण है और जिसके कारण से पाठ पूर्ण नहीं हुआ है, ऐसे समय में आप प्रायश्चित आदि लेते हुए उसे पुनः निर्दोष करने का प्रयास करें। पर पहला प्रयास तो पूर्ण रूप से जो पाठ प्रारंभ किया है पहले वो पूर्ण करते हुए अन्य कार्यों की ओर बढ़ने का प्रयास करें, अन्यथा जो फल उस पाठ का मिलना चाहिए वैसा पूर्ण रूप से फल नहीं मिलेगा। इसलिए पहला प्रयास वही करें, और नहीं हो पाए तो कचित कदाचित उसके लिए प्रायश्चित भी लेकर उस दोषों से बच सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। आनंद जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि गुरु जी, आजकल कई मंदिरों में मूर्तियाँ विराजमान हो रही हैं, तो हम ये निर्णय कैसे करें कि किस मंदिर में मूर्ति विराजमान करें, और क्या मूर्ति की न्यौछावर राशि भी विशेष महत्व रखती है? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। मंदिरों में भगवान की प्रतिमा को विराजमान करना ये बहुत श्रेष्ठतम कार्य हुआ करता, और ऐसे कार्य में संलग्न होना प्रत्येक श्रावक का कर्तव्य ही मानना ये भी एक सौभाग्य का ही कार्य है। क्योंकि बिना पुण्य के भगवान की प्रतिमा विराजमान करना, ये भाव करना भी संभव नहीं हो सकता। इसलिए जो अनेकानेक मंदिरों में वर्तमान में भगवान और भगवान की प्रतिमा आदि विराजमान की जाती है, वहाँ पर
कहाँ कौन से भगवान या कौन से मंदिर में रखना आदि निर्णय व्यक्तिगत रूप से आपको अपने ही सहूलियत आदि से करने की आवश्यकता है। कहने का तात्पर्य इतना है कि भगवान की प्रतिमा मात्र विराजमान करना, रख देना, उसकी न्योछावर राशि दे देना, इतने मात्र से पुण्य मिलने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं उसके निमित्त से आपको उन प्रतिमाओं के प्रतिदिन पूजा, अभिषेक, पाठ आदि आदि दर्शन आदि करना बहुत आवश्यक कहा गया। इसलिए कौन से मंदिर में प्रतिमा विराजमान करना, इसका निर्णय आप अपने विवेक से करें। वह अपने नगर से, आपके घर से बिल्कुल पास हो, जिसका आप प्रतिदिन दर्शन, पूजन, अभिषेक आदि आदि कर सकते हैं, ऐसा मंदिर आप तय करें जो आपके लिए सहूलियत से, यानी आपके लिए कार्यकारी निमित्त बन सके रोज प्रतिदिन दर्शन करने। माना के लिए कोई विशेष क्षेत्र है, उस क्षेत्र पर भी विराजमान कर रहे हैं तो उसमें भी कोई दोष नहीं है, पर वहाँ भी ध्यान रखें कि समय समय पर आप वहाँ पहुँच सके, दर्शन कर सके, वहाँ मंदिर की व्यवस्था भी सुचारू रूप से चलती रहे, पूजा पाठ आदि की। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए ही आप व्यक्तिगत रूप से निर्णय करें कि कौन से मंदिर में पहुँच कर आपको कौन सी प्रतिमा, भगवान आदि विराजमान करने हैं। ये व्यक्तिगत आप अपने स्वयं के विवेक से ही निर्णय कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तटस्थ होकर कहा नहीं जा सकता कि इस मंदिर में करनी चाहिए, अमुक मंदिर में नहीं करनी चाहिए, इस क्षेत्र में करे, वहाँ नहीं करे। ये तो व्यक्तिगत आपका विवेक है, जो आपके लिए पास में हो, सहूलियत वाला हो, जहाँ अक्सर आप पूजा पाठ करने जाते हैं वहाँ रखने से विशेष आपको रोज अर्चना करने का फल मिलेगा, या कुछ विशेष क्षेत्र आदि में भी रखने हैं तो वहाँ भी आप महीनों में, वर्षों में पहुँचते हुए उसकी अर्चना करने का भी ध्यान रखते हुए उसका चयन किया जाए कि प्रतिमा कहाँ विराजमान की जाए। जरूरी नहीं है उस प्रतिमा के निमित्त से आप कितनी न्योछावर राशि दे रहे हो, क्योंकि न्योछावर राशि जो अन्य भी जो ज्योतिष आदि की राशि उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने कि आपके भाव महत्वपूर्ण है। न्योछावर राशि करोड़ों की क्यों ना हो, पर भाव अगर अच्छे नहीं है, दिखावे के भाव है, प्रशंसा, नाम प्रदर्शन के भाव है, तो वह करोड़ों की राशि, न्योछावर राशि काम की नहीं है। और वही अगर बहुत अच्छे भावों से, श्रद्धा से कुछ हजारों की भी प्रतिमा आपने नगर में या मंदिर में विराजमान की है तो वह करोड़ों, लाखों, अरबों से भी श्रेष्ठतम हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, न्योछावर राशि का बंधन नहीं है, पर श्रेष्ठतम भावों की आवश्यकता वहाँ पर होती है। वह अपने भाव कहाँ लगते हैं, किस प्रकार आपके लिए मंदिर, वेदी आदि सहूलियतकारी हो सकती है, इन बातों से आप विवेक से निर्णय करें कि आपको कहाँ, कैसा, कौन सा कार्य करते हुए, कौन से मंदिर में भगवान और कितनी न्योछावर राशि से भगवान को विराजमान करना है, ये आपने विवेक से तय करें। यही आपके लिए सम्यक समझ। अनुभव जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए हमारे सामने। महाराज जी नमस्ते। महाराज जी, महाराज जी हमारा प्रश्न ये है कि जो शिखर, मंदिर के शिखर की परछाई घरों की छत पे आती है, घर पे आती है, तो वो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, और कोई प्रभाव पड़ता है तो उसका क्या हल है? मंदिर के शिखर की परछाई, उससे मिलने वाला फल, ये हमें कहीं न कहीं निमित्त ज्ञान और आगम प्रमाणों से समझने की आवश्यकता है। उसके लिए सबसे पहले ये तय करने की आवश्यकता है, ये समझने की आवश्यकता है कि मंदिर की परछाई कितने समय पे पड़ती है, मतलब सूर्योदय पे पड़ती है, सूर्यास्त के समय पे पड़ती है, कितने अंशों में पड़ती है, कितने हिस्से तक पड़ती है, उसकी लगभग लंबाई या उसका समय कितने काल का है आदि सब कुछ तय करने के बाद ही निमित्त शास्त्रों से उसका वास्तविक फल बताया जाता है। पर सामान्य रूप से अगर समझे तो सामान्य रूप से आचार्यों ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी प्रकार से अगर वह मंदिर की परछाई घरों आदि में, छत आदि में पड़ती है तो वह उत्कृष्ट घर, उत्कृष्ट निवास स्थान नहीं हो सकता। उत्कृष्ट निवास स्थान तो वीतरागी प्रभु से कई दूरी पर जो मंदिर, जहाँ शिखर की, मंदिर की किसी भी भाग की परछाई नहीं पड़ती है,
वही सर्वश्रेष्ठ घर मकान कहा जा सकता है। अगर फिर भी उसमें जब आचार्य भगवान विस्तार से कथन करते हैं तब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि क्वचित कदाचित उसमें भी कुछ हल भी किया जा सकता है, पर वह तभी किया जा सकता है जब वह परछाई कब पड़ रही है, यानी सूर्योदय की कि सूर्यास्त की परछाई है कि मध्याह्न की परछाई है, घर के कौन से हिस्से में पड़ रही है उस पर भी उसका फल तय होता है। माना कि मध्य में पड़ रही है तो उसका फल अलग कहा है, प्रारंभ में पड़ रही है या बेडरूम आदि में पड़ रही है, भोजनशाला आदि में, तो उस पर अपना अपना जैसा जैसा उस परछाई का कार्य देखने में आता है बिल्कुल वैसा ही वैसा उसका फल भी वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। इसलिए पहले ये स्पष्ट समझे, अनुभव करे कि कौन से दिनों में कब कहाँ कैसी परछाई पड़ती है, कितनी लंबी पड़ती है, कितने समय तक पड़ती है, फिर उसको आगम के परिपेक्ष में आप उसका फल समझने का प्रयास करें। और जब ये समझ में आएगा कि कब कहाँ कैसी पड़ती है, फिर उसी अनुसार उसका हल भी हो सकता है। श्रेष्ठतम बात तो यही है कि अगर दूसरा कोई ऑप्शन हमारे पास है कि हम अन्यत्र कहीं रह सकते हैं, ठहर सकते हैं, तो वो उत्कृष्ट बात है। अगर नहीं छोड़ सकते हैं तो फिर उसके फलों को, उसकी दिशा आदि को समझते हुए उतने हिस्से को छोड़ देना या और भी कुछ तरीकों से हम उसके हल को प्राप्त कर सकते हैं। पर वास्तविकता में पहले उसकी दिशा, समय, काल आदि सब कुछ तय करना होगा, फिर उसका हल भी तय किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सुप्रिया जैन, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी, एक सौ धर्मेंद्र के काल में 40 नील सची एक बार में मोक्ष जाती हैं, बाकी की सची कब और कैसे जाती, या दूसरे काल में फिर उन्हें और क्या मतलब कैसे जाती, कहाँ जाती? नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। हाँ, ये परम सत्य है कि एक सौ धर्म के काल में 40 नील सचिया मोक्ष को प्राप्त करती है। यहाँ इस आगम की व्यवस्था को बहुत अच्छे से और विवेक से समझने की आवश्यकता है। जब एक सौधर्म अपने काल को पूर्ण करता है, यानी उसको जब तक मोक्ष जाने का काल कहा जाता है, उतने काल में ही वह 40 नील सजियों को मोक्ष जाने का काल समय कहा है। वहाँ कोई शेष सचिया बचती ही नहीं है जो अन्य काल में मोक्ष को चले जाए। ये तो सीधा सा गणित है, जितने काल में 40 नील सचिया मोक्ष जाती है उतने काल में एक सौधर्म मोक्ष जाता है, या एक सौधर्म मोक्ष जाने का जितना काल है उतने काल में 40 नील सचिया का मोक्ष जाना तय है। ऐसा ही सीधा सीधा गणित है, उसमें कोई बचने का, शेष रहने का सवाल ही नहीं उठता, जो कि अगले काल में पुनः मोक्ष जाए या पुनः सची बने, ऐसा विकल्प ही नहीं है। वो संख्या ही तय है कि इसका जितना प्रमाण काल का है उतने काल में उतने ही जाएंगी, ना उससे कम बचेगी ना उससे ज़्यादा होगी, ये दोनों का बराबर गणित ही वहाँ पर समझने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। नरेंद्र कुमार जैन, लोकमान चौराहा, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश से, अगले समीचीन विकल्प के लिए। महाराज जी के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु। हे महाराज, यदि सारे जीवन व्यक्ति संयम का पालन करे, ऐसा शास्त्रों में कहा है, तो अंगली पर्याय देव पर्याय मिलना तय है। जबकि महाराज देव पर्याय असंयमी होती है, तो संयम का फल असंयम में जन्म होना क्यों? नमोस्तु। संयम का फल किसी भी प्रकार से असंयम है ही नहीं है। यहाँ पर विशेष ये बात समझनी होगी कि संयम प्राप्त करते समय या संयम का चारित्र का प्रतिपालन करते समय जो कथनचित कुछ अंशों में जो राग उत्पन्न हुआ हो रहा है, चाहे जीवों की दया के प्रति हो, चाहे उन अनुव्रत महाव्रत या देवशास्त्र गुरु आदि किसी के प्रति जो कहीं न कहीं राग उत्पन्न हो रहा है, वह राग ही आने वाले समय में देव आदि पर्याय को देने के लिए निमित्त बन सकता है।
क्योंकि संयम चारित्र व्रत समिति आदि आदि पूर्ण रूप से कर्मों के संवर और निर्जरा के लिए ही साधन बनते हैं, पर ये सब कुछ करते समय कुछ अंशों में जब राग प्रकट होता है, जैसे कि 24 घंटा कोई तपस्या नहीं कर पाता श्रावक विशेष करके, और ऐसे समय में जो श्रावक उस तपस्या के प्रति या देवशास्त्र गुरु के प्रति या अन्य भी उस शुभ क्रियाओं के प्रति जो शुभ राग अनुराग करता है, उसका ही साक्षात प्रतिफल उसे देव पर्याय में ही प्राप्त होता है, क्योंकि अशुभ का फल तिर्यंच और नरक पर्याय में मिलता है, शुभ का पुण्य का फल उसे देव पर्याय में मिलता है। संयम धारण करने से, नियम धारण करने से, व्रत आदि पालन करने से किसी भी प्रकार से असंयम रूप देव पर्याय का फल प्राप्त नहीं होता, अपितु वहाँ ये अवश्य समझे कि जो वहाँ पर उन क्रियाओं को करते समय जितने अंशों में राग था, उतने ही अंशों में वहाँ पर पूर्ण रूप से वह देव पर्याय आदि को देने के लिए आश्रय बंध करने के लिए निमित्त बनता है। अन्य समय में जितने अंशों में संयम, जितने अंशों में सम्यक दर्शन, जितने अंशों में सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है, उतने अंशों में कभी भी आश्रय बंध होता ही नहीं है। मात्र जो ईषद राग यानी किंचित राग उन क्रियाओं के निमित्त से अन्य कहीं शुभ राग परिणत हो रहा है, उनके ही निमित्त से कहीं ना कहीं देव पर्याय मिलती है। संयम का फल तो कर्मों का संवर, कर्मों की निर्जरा और परंपरा से मोक्ष का ही साधन होता है। इसलिए ये भ्रांति जीव को निकालने की आवश्यकता है कि आज तो हम संयमी हो रहे हैं, व्रत नियम ले रहे हैं, और देव पर्याय में जाकर असंयमी होने से क्या मतलब, उससे अच्छा है कि हम यही बने रहे। पर ये श्रेष्ठ बात तो है ही, मनुष्य बनना, संयम धारण करना उत्कृष्ट बात है ही, पर ये ध्यान रखे कि उसमें शुभ राग से आप वहां पहुंच रहे। पर अगर कोई व्यक्ति संयम धारण करते हुए, चारित्र धारण करते हुए ये भाव धारण कर रहा है कि मैं संयम नियम इसलिए ले रहा हूँ कि आने वाले समय में मुझे कहीं ना कहीं भोग प्राप्त हो, स्वर्गों का सुख प्राप्त हो, तो वो भी उसका सोचना उचित नहीं है। ऐसे निदान बंद से भी क्वचित कदाचित वह स्वर्ग आदि में जाकर देव भोग आदि प्राप्त कर सकता है। इसलिए वहाँ संयमियों को भी ऐसे भावों से संयम धारण नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे भाव या कुछ राग उत्पन्न हो रहा है उसके कारण से ही वह स्वर्ग जाता है, अन्यथा निर्जरा और संवर ही उस संयम तप व्रत आदि का मुख्य साधन हेतु कहा गया है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। कोटा राजस्थान से आयुष जैन अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा थी जब खंडन योग में त्रिलोक सार जी पढ़ते हैं तब उसमें एक द्वीप या एक समुद्र में स्थूल क्षेत्रफल या सूक्ष्म क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उनमें अंतर क्या होता है? नमोस्तु महाराज। शायद आपको यह ज्ञात होगा कि खंडन योग में अनेक प्रकार के प्रमाण कहे गए और अनेक प्रकार के प्रमाणों में कहीं उपमानमान कहा है, कहीं संख्यामान कहा है, वहाँ भी उसके भी कहीं न कहीं अनेकानेक भेद भी आचार्य भगवंतों ने किए। जैसे कि योजन आदि का विषय आता है, वहाँ योजनों की भी अपेक्षा से शायद दो बातें आपने सुनी होगी, एक छोटा योजन और एक बड़ा योजन। जहाँ स्थूल क्षेत्रफल की बात आती है वहाँ उस बड़े योजन की अपेक्षा से हमें उसे स्थूल समझना, स्थूल का ही अर्थ होता है बड़ा और सूक्ष्म का अर्थ होता है छोटा। जब छोटे की अपेक्षा से वहाँ पर गणित लगाया जाता है वहाँ सूक्ष्म क्षेत्रफल आदि कहा जाएगा, और वही जब स्थूल रूप से यानी बड़े योजन की अपेक्षा से गणित किया जाएगा तो वहाँ स्थूल रूप से क्षेत्रफल आदि निकाला जाएगा। क्योंकि ये दोनों भी सब्जेक्टिव टर्म हैं, वहाँ जिस प्रकार का प्रमाण ग्रहण किया जाएगा, क्योंकि उस योजनों को भी ग्रहण करते करते कहीं ना कहीं हमें अनुमान से या जो उपमानमान कहा जाता है वहाँ आत्मांगुल, प्रमाणांगुल, उच्छेदांगुल आदि की अपेक्षा से भी बहुत सारी भिन्न भिन्न गणना भी समझने की आवश्यकता है। तो उस अपेक्षा से भी कथनचित उसमें थोड़ा थोड़ा सा बदलाव होता रहता है, क्योंकि आत्मांगुल, प्रदेशांगुल, साथ में उच्छेदांगुल
आदि की अपेक्षा से, प्रमाण अंगुल आदि की अपेक्षा से, उसमें योजनों में भी कई सारा अंतर संख्या की अपेक्षा से होते हुए देखने में आता है। और बिल्कुल उसी के परिप्रेक्ष्य में ही यहाँ पर ये व्यवस्थित किया जाता है कि सूक्ष्म क्षेत्रफल या स्थूल क्षेत्रफल, इसी के परिप्रेक्ष्य में गणना की जाती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन के भांति यह कार्यक्रम 5:13 पर YouTube चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषि का नाम सुप्रभ और वाणी का पर्याय वाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच यह नाम चैनल का है। आप YouTube पे सुप्रभ उवाच सर्च कर सकते हैं एवं सर्च करके इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं उसका बेल आइकन प्रेस करें ताकि मुनिषि की अधिक जानकारी एवं जो सम्यक समाधान आदि आदि कार्यक्रम है उसकी जानकारी भी आपको उपलब्ध होती रहे। नोटिफिकेशन के द्वारा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। प्रतिदिन ठीक 5:13 पर YouTube चैनल सुप्रभवाच के माध्यम से यही कार्यक्रम प्रतिदिन शाम को 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होता है। ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से सम्यक समाधान उपलब्ध होता है। आप सभी लोग घर बैठे सुक्ति मुक्तावली इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हुए मुनिषि के वाणी का लाभ ले सकते हैं। प्रतिदिन 2:30 पर 2:30 बजे मुनिषि के प्रवचन आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग दोपहर को 2:30 पर आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषि के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मुनिषि के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस लोकप्रिय कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधु, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।